इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी डिल्यूजन और सबसे अजीम तरीन गरर यह है कि वो समझता है कि उसकी जिस्मानी नीड्स जो हैं, जो उसकी जिस्म की जरूरियात हैं, खुराक है, उसकी जाहरी जरूरियात हैं, कपड़े हैं, घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लोग हैं, सोसाइटी हैं, ये उसकी रूहानी जरूरत से ज्यादा है। हम इस बात के मुनकर नहीं या दीन इस्लाम इस बात का मुनकर नहीं कि इंसान की रिज्क जो है, उसकी ज़रूरत, उसके जिस्म की ज़रूरत, उसकी नशोनमा और उसकी तहसीन और उसकी तकमील, उसका दिफा और उसका जमाल, इसको एक्चुलाइज करना और इसको पाए तकमील तक पहुँचाना उसकी बुनियादी और बेसिक नीड है और उसके राइट्स भी हैं। मगर रूहानी ज़रूरत को, इंसान की कल्बी इत्मीनान को, उसके रूहानी सुकून को, जिसका ताल्लुक उसकी जहनी करार के साथ है, जहनी राहत के साथ है, कल्बी सुकून के साथ है, इसको माइनस करके या इसकी नफी करके इंसान इंसान नहीं रहता तो इंसान सुकून में कैसे आएगा। अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में जो रूहानियत को माइनस करके या इसकी ताखीर करके सिर्फ जिस्म की भूख को पूरा करने के पीछे ही लगे रहते हैं, उनको तो कुरान में कहता है अल्लाह, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, ये तो गुमराह हैं और जानवर से भी बदतर हैं। और कहीं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवमन कान मैतन फअहयैनाहू, ये इसी तरह के मुर्दा सोच के लोग ही तो होते हैं जो सिर्फ जिंदगी का मकसद फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना, एक जगह से फिर दूसरी जगह जाना और अपने जिस्म को राहत पहुंचाने का ही जिंदगी का असल मकसद समझते हैं, ये तो मुर्दा दिल लोग होते हैं। फअहयैनाहू, हम इनकी रूह को जिंदा करते हैं हिदायत के साथ जिसको अल्लाह चाहता है। आज से पहले 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम इब्राहिम मैस्लो था, उसने एक थ्योरी ऑफ नीड्स और ह्यूमन मोटिवेशन बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंसान की नफ्सियात कैसे उसके रवैये और उसके बिहेवियर के ऊपर मुतासर होती हैं, उस पर उसने एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने कहा था कि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत उसकी फिजियोलॉजिकल, उसकी हिस्सी ज़रूरत है जो कि जिस्मानी ज़रूरत है, खाना पीना पहनना कपड़ा अशिया और यह, और उसके बाद उसने कहा था कि उसकी सेकंड बड़ी ज़रूरत जो है, दूसरी बड़ी अहम इंसान की ज़रूरत है उसकी सिक्योरिटी, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़, और तीसरी उसने कहा था कि उसकी तीसरी ज़रूरत इंसान की जो है, जो प्रायोरिटी में आती है, वो है उसका सोशल सर्कल, उसकी बिलोंगिंग, कि वो कौन है, वो कहाँ बिलोंग करता है, उसका कबीला क्या है, उसकी ज़ात क्या है, उसकी मतलब लोग क्या है, उसका सोशल स्टैचर क्या है, उसका सोशल बिलोंगिंग क्या है, माशरा जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि इंसान की पहले ज़ाती ज़रूरियात हैं, फिर उसके बाद उसकी तहफ़्फ़ुज़ और जिस्म की सिक्योरिटी है, फिर उसके बाद लोग हैं, फिर उसके बाद रिलीजन है मतलब दीन है, और फिर सेल्फ एक्चुलाइजेशन, इंसान अपनी हकीकत के कमाल के दर्जे तक पहुँच जाता है। इसका एक लिहाज से तो इस एस्पेक्ट को देखा जा सकता है कि इंसान के रिज़क की ज़रूरत है, खाएगा पिएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा। लेकिन सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 38 के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का क्या करें जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला से, जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हाजरा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ दिया बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, जिधर कोई खेती बाड़ी नहीं थी, सफ़ा और मरवा के पहाड़ियों के बीच के अंदर कोई इंसान नहीं था, कोई माशरा नहीं था, किसी किस्म का कोई मस्कन नहीं था, कोई खुराक नहीं थी, पानी नहीं था, लोग नहीं थे, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, ऐसी जगह पर छोड़ के गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ छोड़ के जाएं, कि जहाँ पर ना इंसान था और ना किसी किस्म का सहारा। तो उस वक़्त आपने अल्लाह से एक दुआ की, ऐसे आलम के अंदर जहाँ इंसान को पता है कि मेरे बीवी बच्चे ना, उनके पास कोई लोग हैं ना तहफ़्फ़ुज़ है, ये सारी हायरार्की और नीड्स जो मैस्लो ने कही कि पहले जिस्म की ज़रूरत है, फिर जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, फिर उसके बाद उसको माशरत चाहिए, और फिर कहीं जाके उसको दीन और स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से अम्बिया और इस दुनिया की बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ जो गुजरी हैं, जिन्होंने दीन की खिदमत की और असल में इंसानियत को मकसद समझाया और उसको कमाल तक पहुँचाया अपनी परफॉर्मेंसेज और अपने अमल, अपने तज़क्कुर, अपने तफक्कुर, अपने तदब्बुर से, वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर उनकी दुआ, रब्बना लियुकीमुस्सलात, आपने पहली चीज जिसका कहा या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ यहाँ पर मेरे घर वालों को तू नमाज पढ़ने वाला बना, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती,
ऐ अल्लाह मैं अपनी औलाद को, अपनी जुर्रियत को, अपनी बाल बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, बेवादिन गैरी जर इन, एक ऐसी वादी में जहाँ पर कुछ नहीं उगता, इन द बैतिकल मुहर्रम, तेरे बैत मुहर्रम के पास, रब्बना लियुकीमुस्सलात, क्या काम करें वो ताकि वो नमाज कायम करे, स्पिरिचुअलिटी, दीन, ताल्लुक बिल्ला, अकीमिस्सलात अलज़िक्री, नमाज को कायम करना अल्लाह की याद के लिए, स्पिरिचुअल नीड्स, रिलीजियस नीड्स, अल्लाह से कुर्ब पहले लाए वो, फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, और फिर तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, माशरत, यहां पर मक्का बनना था और फिर यहां हज का सीजन आना था और फिर देखें पूरी दुनिया से लोग आज उस जगह पर आते हैं। दूसरी चीज जो आपने डिमांड की अल्लाह की, अगर दीन है, रूहानियत है, तेरे से ताल्लुक है, तेरे से कुर्ब है, जिंदगी का मकसद है, आखरत है, जन्नत है, जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, नबियों की मार्फत है, तेरी मार्फत है, तेरी इबादत की मार्फत है, तो तू इन्हें माशरत भी दे। इससे यह भी साबित होता है कि मुसलमान एंटी सोशल लोग नहीं है, हम लोगों में, सोसाइटियों में रहना चाहते हैं मगर दीन को पहले प्रेफर करके, रूहानियत को पहले प्रेफर करके, डिवाइन कॉन्सेप्ट्स को पहले प्रेफर करके, फिर दूसरी चीज मांगी वो थी क्या, या अल्लाह इनको माशरत भी देंगे। इंसान जो है वो अकेला इस दुनिया में तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। वर्ज़ुक मिनत समरात, और फिर तीसरे लेवल पे जाके आपने कहा या अल्लाह इनको समरात, रिस्क और खाने पीने की अशिया भी अता फरमा यहां पर, क्योंकि इन्होंने जिंदा रहना है, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरी ये सारी नेमतों का वो शुक्र अदा करें। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से पता चलता है कि ठीक है, एक लेवल तो है कि इंसान की बेसिक नेसेसिटी, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसकी जाती जरूरियात हैं, फिर उसके बाद उसका तहफ्फुज़ है, फिर उसके बाद उसका जो है वो माशरत है, फिर माशरत के बाद उसका दीन है, रूहानियत है, मगर आला तरीन कौमों का और मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज वर्जन की कौमों का और एक्चुलाइज वर्जन की कौमों का, और वो कौम है जो दुनिया में क्यादत भी करती है और वो इंसान भी जो दुनिया में कायद बनता है और नीचे से उठ के ऊपर के लेवल पर आता है, उसकी पहली जरूरत रूहानी जरूरत होती है, फिर माशरत होती है, और फिर वो रिस्क और पेट के उन मसाइल की तरफ जाता है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह का इनकार भी करता है और जिसकी वजह से इस दुनिया की अपनी जरूरत से ज्यादा नीड्स को क्रॉस करके वांट्स पर जब जाता है और डिजायर्स और शहवात के पीछे लगता है, तो फिर दीन बेदारी।